और अब एक बड़ी खबर आपको सुना दें, अमेरिका से आ रही है। अखबार के एक दफ्तर में गोलीबारी हुई है। हमलावर ने 5 लोगों की हत्या भी कर दी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका के मैरीलैंड के एनापोलिस शहर में एक अखबार कैपिटल गैजेट के दफ्तर में ये गोलीबारी हुई है। हमलावर अकेला था, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। अभी तक किसी संगठन ने शूटआउट की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस ने भी अभी किसी तरह के आतंकी हमले की आशंका नहीं जताई है। कुछ रिपोर्ट से बता रहे हैं कि ये शख्स ट्विटर पर भी अखबार को धमकियां दिया करता था। जब वो ऑफिस में पहुंचा, उसने गैस ग्रेनेड फेंके और वो निशाना लगाकर पहचान कर उन्हीं लोगों को उसने निशाना बनाया जो वो सोच के आया था। अमेरिका में मैरीलैंड के एनापोलिस शहर में एक अखबार कैपिटल गैजेट में घुसकर एक हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए। We do have fatalities and we do have serious injuries. We also have many witnesses that are being interviewed. Capital Gazette के न्यूज़रूम में गोलीबारी स्थानीय समय के मुताबिक गुरुवार दोपहर को हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फायरिंग में मारे गए लोगों के लिए दुख जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि विस्कॉन्सिन से रवाना होने से पहले मुझे सूचना दी गई कि मैरीलैंड के एनापोलिस शहर में कैपिटल गैजेट अखबार के दफ्तर में फायरिंग हुई है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थना हमले में मारे गए लोगों के साथ हैं और उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने तुरंत एक्शन लिया और अब भी कैपिटल गैजेट अखबार के दफ्तर में ही है। हमलावर अकेला था। एनापोलिस की एरंडेल काउंटी पुलिस ने शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। As everybody knows, this is an active investigation. We will work with, in conjunction with the detectives and the police officers who are handling the scene to ensure that we have everything collected correctly so that we can then sift through and process the evidence as necessary. Unfortunately, that's the only comment that my office can make at this time, but we are on scene assisting with all other law enforcement agencies. Shooter से पूछताछ की जा रही है। अब तक किसी संगठन ने शूटआउट की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस ने भी किसी तरह के आतंकी हमले की आशंका नहीं जताई है।